ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज वेरीफाई दैट x plus y is equal to y plus x। ये देखो, ये ध्यान से पढ़ो इस चीज को। x plus y is equal to y plus x, ये आपकी प्रॉपर्टी है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये दो दे रखे हैं आपके पास इक्वेशन। पहले हम इसको देखते हैं, ये क्या है, x plus y is equal to y plus x। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी? दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये आपके पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास, राइट? तो उसको वेरीफाई करना है इन दो पार्ट्स के लिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब एक्स यहां पे क्या है, माइनस 3/5, और वाई क्या है, माइनस 7/10। ओके, इसके रिटर्न है माइनस 3/5 प्लस माइनस 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 7/10। एलसीएम कितना गया, 10। 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6, माइनस के 6, माइनस 10/10, 1 × 7 = 7। So, −6 − 7 − 13/10, ये आपका आया लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा उसने, y plus x, y plus x। So, it become −7/10 plus −3/5। So, it become −7/10 plus minus 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 3/5। LCM comes to be 10. 10/10 1 × 7 = 7, minus के 7, minus 10/5 2 × 2 = 6, −7 − 6 − 13/10। तो यहां पर भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, −13/10, राइट हैंड साइड भी क्या है, −13/10। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हेंस लिख लेते हैं, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। नाउ कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक्स प्लस एक्स क्या आएगा आपके पास, 6/7, एंड वाई इज −7/14। तो एक्स प्लस वाई लेते हैं, एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 6/7 प्लस माइनस 11/14। सो प्लस माइनस माइनस 6/7 माइनस 11/14। एलसीएम कितना आएगा इसका, इट्स एलसीएम विल कम्स टू बी 14। 14/7 2 × 2 = 12, 12 − 14/14 1 × 11 = 11, 12 − 11 1 × 14। ये इसका है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, y plus x, −11/14 plus 6/7, एलसीएम कितना आएगा, 14। 14/14 1 × 11 = 11, माइनस का 11, प्लस 14/7 2 × 2 = 12, सो 12 − 11 1 × 14। तो आपके पास जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आया वो भी 1/14 आया, राइट हैंड साइड भी 1/14। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस वेरीफाइड। ओके, तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, एंड नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं फिर बाद में बार बार रिपीट करूंगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वो जरूर पूछिए। इससे मुझे पता लगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं उस चीज को, सीरियसली पढ़ रहे हैं, राइट? इस लॉकडाउन के टाइम पे आपके पास यही एक मेथड है जिसके लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स के अंदर मैंने पता किया है तो कई स्कूल्स में व्हाट्सएप पे आपको पढ़ा रहे हैं, बट व्हाट्सएप उतना समझ में नहीं आता जितना टीचर आपको ब्लैक बोर्ड में समझा सकता है, राइट? आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, राइट? तो आप इस वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6।